स्टूडेंट क्लास ईयर्थ में एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट फॉर ₹6,000 फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखिए यहाँ पर आपको गिवेन क्या है, प्रिंसिपल ₹6,000, रेट आपका है 9% पर एनम, और टाइम जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं वो है यहाँ पर 2 ईयर्स। अब देखो बेटा यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू P1+R/100⁻⁶। बाय यूजिंग फार्मूला में इस फार्मूला को यूज़ करना है। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 6000, 1+9/100⁻2। अब आपके पास आता है 6000, 100 * 109 = 109/100² दैट 6000 × 109/100 क्लियर हो गया। अब क्या ही करिएगा, जीरो जीरो से कैंसिल कर दीजिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 2 3 = 6 हो गया, 2 5 = 10। अगर इसको डिवाइड करें तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है, 5 6 = 30। अब यहाँ पर हो गया 109 109, और 109 की मल्टीप्लाई आप 109 से करके और फिर 0.6 के साथ कर दें तो आपको जो आंसर मिलेगा वह होगा 7128 रुपीज 60 पैसे। ये तो बेटा अमाउंट आ गया, अमाउंट 7128.60, दैट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट A-P। 7128.60 - principal 6000, तो 0.60 तो ऐसे आ जाएगा और 128 आ जाएगा क्योंकि यहाँ जीरो है, तो 128 आ गया, और यहाँ से 7 से 6 गया तो 1। आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये आपके पास अमाउंट आ गया। इसको आप आंसर के फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 2 है, 10,000 प्रिंसिपल है, 10,000, और यहाँ पर जो टाइम है वो 2 ईयर्स है जिसे आप एन बोलते हो, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% पर एनम, यहाँ पर 11% पर एनम। तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, अमाउंट P = 1+R/100⁻N, देन 10,000 एंड 1+R हमारे पास 11/100 है, पावर एन में 2, तो 111 हो जाएगा क्योंकि 111 + 111 = 100² और बेटा जी यहाँ पर आपने जीरो लगा लिया, तो ये 1 2 3 4 × 111 100 111 100, 0 0 से कैंसिल हो गया, सारे जीरो कैंसिल हो गए। अब आपको काम क्या बनता है कि आप जो 111 है उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर ₹12,321 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ये बेटा आपका अमाउंट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के लिए A-P कर दो। A है 12,321 और उसमें से -10,000 कर दीजिए, -10,000 कर लीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास जो इसका आएगा वो होगा 2321, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रिंसिपल ₹31,250, टाइम इज 3 ईयर्स एंड रेट इज 8% पर एनम। देन यू विल फाइंड फर्स्टली अमाउंट
पी इज इक्वल टू वन प्लस आर अपान 100 रेस्ट टू द पावर एन, प्रिंसिपल इज 31,250 वन प्लस एट अपान 100 पावर एन, एन मीन्स 3, देन 4 2 8 एंड 4 25 25 प्लस 2 27 अपान 25 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 31,250 देन 31,250 एंड दिस इज पावर 3 देन वी राइट हियर 27 अपान 25 3 टाइम्स 27 अपान 25 एंड 27 अपान 25। अब 25 से आप क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे, किसको 31,250 को आप डिवाइड करेंगे 25 से, तो जो आपका आंसर मिलेगा आपको वह 1,250 आ जाएगा। अब 25 से करें तो ये 5 जा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसके करें तो 25 2 जा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 27 और 27 टू जा 54 होता है, और इधर 27 की मल्टीप्लाई आप 27 से कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 729 मिल जाएगा। 729 की मल्टीप्लाई आप 54 से कर दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 39,366। ये तो बेटा अमाउंट हो गया, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, देन ए माइनस पी रुपीज़ 39,366 माइनस प्रिंसिपल 31,250 देन आपको कितना मिलेगा। ये तो आपका अमाउंट वाला आंसर आ गया। अब आपके पास इससे जब माइनस करेंगे तो 31,250 को माइनस करने पर आपको मिलेगा 8,116 रुपीज़। स्टूडेंट इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड कर लिया। आइए इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यहाँ पर लिखा है प्रिंसिपल में 10,240 फॉर 3 ईयर्स एट 12 होल 1/10%। तो प्रिंसिपल इज रुपीज 10,240। नेक्स्ट में आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 होल 1/2% पर एनम, दैट इज 25/2% पर एनम। अब आपको मिलता है यहाँ पर टाइम, दैट इज एन, एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स, राइट। फर्स्ट विल फाइंड ए, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपान 100 रेस्ट टू द पावर में एन हो गया। क्या ही करिएगा फिर, यहाँ पर 10,241 प्लस 25/2 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड पावर एन में 3 आ गया। 25 फोर जा 4 2 जा 8 8 1 जा 8 प्लस 1 9 अपान 8 पावर 3 एंड 10 2 4 0। बेटा अब आप क्या करिएगा, 10,249 अपान 8 पावर 3 है, इसको 3 टाइम नोट डाउन कर लो, 9 अपान 8। अब 1024 को 10,240 को आप डिवाइड करेंगे फर्स्ट टाइम 8 से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वह होगा 1,280। अब इसी 1,280 को अगेन आप 8 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर बन जाएगा 160, बिकॉज कैसे 8 1 जा 8 12 से 8 गया 4 और यहाँ पर 8 48 हुआ, तो 12 6 जा 8 6 जा 48 एंड 0 बढ़ा लिया आपने। अब इससे डिवाइड कर दें तो 2 8 2 जा 16 और 0 20 हो गया, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है, 20 into 9 9 जा 81 9 8 1 9 9 8 जा 72 7 29 0 2 9 जा 18 2 2 जा 4 2 7 जा 14। बेटा ये नंबर आपका आ गया अमाउंट, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए माइनस बी, देन 14,480 माइनस
10,240। अब 14,480 से आपको माइनस करना है 10,240 को, तो इन स्थिति में आपके पास जो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4,240 हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। 5 में प्रिंसिपल हमारे पास ₹62,500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 12% पर एनम है, टाइम इज इक्वल टू यहाँ पर 2 years 6 months है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखें ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 2 है ये होल पावर ये लगा दें, और 1+ यहाँ पर कितना हो जाएगा R/2/100 पावर में कुछ भी अब लगाते नहीं, चाहे तो 1 आप कर सकते हो। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 62,500, 1+R कितना हो गया 12/100, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में ना यहाँ पर आपने क्या लगना है n अपान टू इंटू आर लगाते हैं n/2 × R। तो n कितना है हमारे पास 2 years, तो इसको 6 लगा दे और अपान 12, 6 × 6 = 2, 2 × 4 = 5/2। तो 5/2 × में कितना है 12 और अपान में कितना है 100, 2 6 × 6 = 30। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा 62,500 और 4 × 3 = 12, 25 × 25 = 28 हो जाएगा 28/25, 6 × 5 = 30, 0 काट दीजिए तो यहाँ पर 30, 10 × 1 = 10, 3 × 13 अपान में कितना जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 6 × 5 = 30, ऐसे कर लीजिए 0 0 से कैंसिल, 10 × 1 = 10, 3 × 13, 13/10। अब इनको आप कैंसिल आउट करें क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है इसकी होल पावर में, 62,500, 28/25, 28/25 और 13/10। क्या करिएगा यहाँ पर जो नंबर हमारा है 62,500 इसको आप इस 25 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2500। इस 25 से करिए तो 100 मिलेगा, यहाँ पर 10 से करिए तो 10 × 28 × 28 × 13 ये बेटा हो जाएगा 280। अब 280 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 28 से करोगे, तो 28 से कर दिया और फिर उसकी मल्टीप्लाई आपने 13 से जब करना है तो यहाँ पर 28 × 13 और मल्टीप्लाई करने के बाद 101920। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 101920 से 62500 को माइनस कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो माइनस करते हैं 62500 को तो आपके पास जो आएगा वो 39,420 रुपीस होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है ₹900 एंड टाइम इज गिवन 2 years 4 months, तो 2 × 4/12, 4 × 4 = 3 × 12, तो 3 × 2 = 6 months, 7/3 years हो गया ना। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, सो ए इज इक्वल टू पी 1+R/100^n और इन ब्रैकेट यहाँ पर 1+N/2 × R और अपान में 100। ठीक है, अब क्या करिएगा प्रिंसिपल कितना है 9000, 1+R कितना है हमारे पास 10/100 बेटा पावर में 2 और इधर कितना है 1+N कितना है हमारे पास n
एन मतलब टाइम सेव इन अपान थ्री, और मल्टीप्लाई में आर कितना हमारे पास 10 है और अपान में 100, तो 0 0 से कैंसिल, 11 अपान 10, 11 अपान 10 यहाँ पर हो जाएगा और ये हो गया 9000। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर इसके लिए आप देखें 70, इस नंबर को जरा करें तो ये 70 अपान 3, ठीक 1 प्लस 70 अपान 3, ये 100 ऊपर पहुँचा दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 3 जा 30, 30 1 जा 30, 37, तो 9000 इंटू 121, 10 10 जा में 100 कर लीजिए, और यहाँ पर 10 3 जा 30, 30 1 जा 30 प्लस 37 अपान में 30 कर लीजिए आपने, ठीक है बेटा। अब 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 की मल्टीप्लाई 121 से करो और फिर 37, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 1 जा 3, और इसकी मल्टीप्लाई आप 37 से कर दें तो 363 की मल्टीप्लाई जब आप 37 से करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 13,431। तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे और ए माइनस बी, 13,431 माइनस 9,000, तो बेटा यहाँ पे आपने माइनस 9,000 जब करना है तो आपको 9,000 करने पर क्या मिलेगा, 4,431, ये आपका बेटा आंसर होगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक्स टू वॉचिंग।